हेलो फ्रेंड्स, 2016 से मैं गल्फ जॉब में हूं और इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। मेरा मोटिव यही है कि एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजेंट के चक्कर में ना फंसे। अब लोग एजेंट के पास जाते क्यों हैं? एजेंट के पास जाने का सबसे बेसिक रीज़न यही है कि आप क्वालिफाइड नहीं है, या तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आप एक्सपीरियंस भी है, काम भी जानते हैं, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है कि आप जाके इंटरव्यू निकाल लें या एक हैक्टिक प्रोसेस के थ्रू जाएं। ये आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वजह से आप एजेंट के चक्कर में जाते हैं। एजेंट के चक्कर में पड़ने का और एक वजह जो है वो ये भी है कि एजेंट आपको हमेशा लोफ्टी प्रोमिसेस करेगा, हमेशा आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा गल्फ के बारे में और कंपनी के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में। आपको बताएगा कि आपको कंपनी एकोमोडेशन देगी और ट्रांसपोर्टेशन देगी, खाना आपका रहेगा कंपनी का, मोबाइल देगी। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो यूएई में या गल्फ कंट्रीज़ में सारी कंपनीज देती हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। यही चीज़ आप ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस स्टाफ आपको इस तरह से बताएंगे नहीं, बताएंगे लेकिन इस तरह से नहीं बताएंगे, डिस्प्ले करके नहीं बताएंगे कि आप बस यही सब चीज़ देख करके आ जाइए और इंटरव्यू दे दीजिए। ऑफिस स्टाफ्स को पता है या ऑफिस को पता है कि आप इंटरव्यू फेस करेंगे, आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे तभी आपका जॉब होगा, तो ही आप इस प्रोसेस से जाएंगे। आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करेंगे तो दे के नॉट हेल्प यू, ऑफिस आपको जॉब नहीं करवा सकता। और गल्फ जॉब की फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो अगर आप अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं, तो ही आप कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर लोअर सैलरी, लोअर ग्रेड में हैं और टेक्नीशियन या कोई मेंटेनेंस या कोई क्लीनिंग का काम कर रहे हैं या लेबर ग्रेड का काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको उस तरह से फैसिलिटेट करेगी, नहीं करेगी। कंपनी का भी एक बजट होता है, उसके हिसाब से वो काम करती है। बहुत सारी कंपनीज़ में फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग भी होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, 10-15 लोग एक ही रूम में रहते हैं और एक कैंप में 1,000-2,000 लोग रहते हैं। अब जब ड्यूटी से आते हैं लोग तो भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, जब ऑफिस जाते हैं तो वो भी प्रोसेस बहुत हैक्टिक होता है, लाइन में लग के आपको गाड़ी में बैठना होता है। तो जो लग्जरी और कम्फर्ट आप सोच के आते हैं वैसा बिल्कुल भी रियलिटी में नहीं होता है। एक प्राइवेट स्पेस भी आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको एक पर्सनल फ्लैट दे दिया जाए तो यू विल फील मोर लाइक अ होम। आप सोचेंगे कि रूम में ही है, मेरा प्राइवेट स्पेस है, मैं किसी तरह से सो जाऊं, मैं कुछ भी कर लूं रूम में। लेकिन वहां पे भी आपको रूम में जो आपको कंपनी एकोमोडेशन देगी वहां पे आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना है, विच इज़ नॉट नॉर्मल, विच विल नॉट नेवर गिव यू अ फीलिंग लाइक यू आर स्टेइंग इन योर होम। गल्फ या अब्रॉड जॉब्स के चक्कर में किस तरह से लोग फंसते हैं इसके ऊपर बहुत सारे स्टोरीज भी हैं और बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जिनमें से एक मूवी गोट लाइफ जो केरला का स्टोरी है, जहां पे एक इंजीनियर सऊदी अरब में जाकर किस तरह से फंस जाता है और बकरियों की तरह जीने के लिए मजबूर हो जाता है। इस ट्रेलर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप देख लीजिए। और इसी स्टोरी के आधार पर एक, या फॉरेन एम्प्लॉयमेंट या अब्रॉड एम्प्लॉयमेंट के आधार पर एक मूवी बन रही है शाहरुख खान की डंकी, वो भी आप देखिएगा, उसका भी जो थीम है मूवी का वो यही है। ये तो हो गई सारी नेगेटिव बातें, अब आपको पॉजिटिव बातें बताते हैं। गल्फ जॉब या अब्रॉड जॉब्स लेना कैसे हैं, स्पेशली गल्फ जॉब्स के बारे में हम आपको बताते हैं। सिंपल है, जॉब रिक्वायरमेंट जो आता है जॉब बोर्ड्स पर, वहाँ पे जाएं और आप देखें कि रिक्वायरमेंट्स किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से कैटेगरीज में रिक्वायरमेंट्स हैं। पेंटर है, एसी टेक्नीशियंस है, डक्समैन है और मेसन है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो उस कैटेगरी में आप अपने आप को देखिए कि कहाँ पे आप सूट करते हैं, कौन से जॉब के लिए आपका एजुकेशन या क्वालिफिकेशन सफिशिएंट है, उस जॉब के बारे में आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप एक टेक्निकल ट्रेनिंग ले लीजिए जो कि इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है, 3 महीने की भी ट्रेनिंग होती है बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज की। ट्रेनिंग हो जाने के बाद आप ट्राई कीजिए इंडिया में कहीं पर जॉब करने का, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस पर आपको 6 से 7 महीने एटलीस्ट जॉब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सिस्टम समझ में आए। सिस्टम इसलिए आपको समझ में आए, 6-7 महीने बहुत कम होते हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए इनफ होते हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आप बेसिक चीज़ें 6-7 महीने में देख लेंगे। बेसिक क्या क्या होता है, किस तरह से मेंटेनेंस होता है, क्या फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं, तो इंटरव्यू आप निकाल सकते हैं अच्छे से आप तैयारी करेंगे। तो इंटरव्यू निकालने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिसाइड किया गया चार्जेस है, ऑफिस चार्जेस, वो 30,000 रुपये हैं, प्लस GST करेंगे आप तो 35,000 या 36,000 रुपये बनते हैं, दैट्स इट। इतने में आपको गल्फ जॉब मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो रजिस्टर्ड या रेप्यूटेड ऑफिसेज हैं वहाँ से आपको जॉब मिल गया
या वीज़ा आ गया या कौन सी कंपनी का ऑफर लेटर आ गया तो आप ब्लाइंडली चले जाएं। आपको हमेशा रिसर्च करना है। ज़्यादातर या मैक्सिमम लोग यहीं पे फंस जाते हैं जो रिसर्च नहीं करते कि जॉब कहाँ चाह रही है, कौन सी कंपनी है, वेरीफाई करना है या नहीं करना है, कैसी कंपनी है। इंटरनेट में जाइए, गूगल में रिव्यूज़ पढ़िए, और लिंक्डइन में जाएंगे तो आपको बड़े कंपनीज जो होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। तो लिंक्डइन में जाके एम्प्लॉयज़ से ट्राई कीजिए कनेक्ट करने का, और उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ से आप बात करके पूछ भी सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है, अच्छी है या नहीं, इस कंपनी से मुझे वैकेंसी आया है, जॉब का ऑफर आया है, जाऊँ या नहीं जाऊँ। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जॉब को वेरीफाई करने के। मेरा जो प्रोफेशन है वो बिल्डिंग मेंटेनेंस है, और बिल्डिंग मेंटेनेंस में भी जो कोर है वो HVAC है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अपने आने वाली वीडियोस में बेसिक हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग की ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाएगा या एक्सप्लेन किया जाएगा, और इतनी बेसिक लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँगा कि जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर्स ही वो वीडियो समझें, ताकि पीपल विल गो एंड ट्राई फाइंड गुड जॉब्स फॉर देमसेल्व्स इवन इफ दे आर नॉट इंजीनियर्स। दैट्स माई मोटिव। थैंक यू सो मच।